ठीक है। तो हमने पॉजिटिव पढ़ लिए थे, अब देखो इंटरमीडिएट में क्या है, चीज तो वही लगेगी, सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट, अभी थर्ड फॉर्म आएगी, बट यहाँ पर तो कुछ चीज बातें तो माइंड में रखनी है। क्या बात कर रही है कि अगर मैं बात करूँ एक्टिव, अगर एक्टिव स्टेटमेंट है वॉइस है तो उसके सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या रहेगी, ठीक है ना। तो टाइप वन के बारे में बात करेंगे पहले हम, इंटरमीडिएट टाइप वन तो बोलते हैं हम यस एंड नो टाइप, क्या बोलते हैं यस और नो टाइप। तो जब भी इसके हमारा स्टेटमेंट होगा एक्टिव के अंदर, या पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, राइट, क्या होगी हेल्पिंग वर्ब, देन हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन हमारी वर्ब आएगी, क्या आएगी हमारी वर्ब। अब वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो सकती है, सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म तो आएगी नहीं, थर्ड फॉर्म में हो सकती है और आईएनजी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा टेंस के ऊपर एक्टिव के अंदर। देन हमारा क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क इंटरमीडिएट। यानी अगर हमारा स्टेटमेंट एक्टिव है तो एक्टिव का अगर टाइप वन का इंटरमीडिएट है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आनी ही आनी है, देन सब्जेक्ट आएगा, देन हमारी वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब हमारी टेंस के हिसाब से आएगी। और यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी बेटा ये वाली किसके अकॉर्डिंग होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट। जब बात करेंगे हम पैसिव स्टेटमेंट की, पैसिव वॉइस की, तो यहाँ पर भी हमारी पहले ये क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब आएगी, और फिर हमारा क्या आएगा ऑब्जेक्ट, देन हमारी क्या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव में आनी ही आनी है चाहे किसी भी टेंस का टेंस है, तो पैसिव में हमारी थर्ड फॉर्म आएगी, राइट। फिर हमारा क्या आएगा सब्जेक्ट, उससे पहले क्या लगाते हैं हम आई आई, फिर हमारा सब्जेक्ट हो गया, और लास्ट में हमारा क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, एक चीज जो आपको माइंड में रखनी है, वो कैसी कौन सी बात है कि जब यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वो आएगी सब्जेक्ट के हिसाब से, पर जब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो किस हिसाब से आएगी, आप गलती यही करोगे, आप गलती यही करोगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब थी वो सब्जेक्ट के हिसाब से थी, यहाँ पे किसकी आएगी ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है ना। टेंस को पहचानना है किस टेंस का है, और पैसिव में कौन सी आज टेंस का यूज करते हैं, सॉरी पैसिव में उस टेंस में क्या आता है, वो खुद समझ पहले लिख लिए थे, समझ इतना आ गया, और वर्ब की परफॉर्म है टेंस में आ रही है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा आर यू राइटिंग A letter. Are you writing a letter? पैसिव इसका जो सेंटेंस होगा स्टेटमेंट होगा पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, अब वो टेंस के हिसाब से आएगी, ये टेंस कौन सा है, आर यू राइटिंग अ लेटर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, पैसिव में क्या आता है रिजर्व आता है यस नो, और प्लस बीइंग आता है, बीइंग हमारा से पहले आएगा, तो पहले पता है कि हमको इज एम आर आना ही आना है, बट वो किसके हिसाब से आएगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, हमारा क्या है लेटर, तो फिर क्या आएगा इज आएगा इज इज लेटर बीइंग, नहीं आएगा ना बीइंग बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी राइट बीइंग राइट, देन बाय आ गया बाय, यू का यू, यू का नाउन नंबर का यू, का यू होता है प्लेस क्वेश्चन मार्क। एक और देखते हैं का स्टेटमेंट, Do they watch TV? टेंस किस टेंस का है? Present indefinite का है? उसी में तो आता है इंटरोगेटिव में, तो पैसिव में क्या आता है present indefinite में? Is आ रहा था, क्या आता है Is आ रहा है, तो कोई किसी में से एक आएगा पहले, इस ऑब्जेक्ट हमारा क्या है टीवी है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा हमारा फिर इज आएगा, तो इज टीवी और वो वॉच क्या होगी वॉच बाय, अब सॉरी यहाँ पर ये दे था गलत हो गया, ठीक है ना, अब दे यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ क्या बनेगा ऑब्जेक्ट, तो नाउन के हमने केसेस लिखे थे, हमने केस क्या हुआ था देखा क्या हुआ इसका लास्ट में क्वेश्चन का लास्ट, तो समझ में आ गया आपको गलती कहाँ करोगे और यहाँ करोगे, बस सिंपल सा काम करना है, टेंस को पहचानना है, टेंस को पहचानना है, अच्छा टेंस स्टेंस का है, पैसिव में क्या आता है वो आपने मालूम कर लिया, अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है उसके हिसाब से वर्ब लगा देंगे, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट फुल कंटिन्यूअस का है,
तो उसमें कंटिन्यूस में इज आ रहा है, हम प्लस बीइंग लगा देते हैं तो इज आ रहा है तो यहां पे आ गया हमारा। पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, सिंगुलर है इसलिए लगा देंगे इज, ऑब्जेक्ट अ लेटर बीइंग लगा देते हैं और द थॉट्स ऑफ रिटन बाय यू, ऐसे ही वाला। डू दे वॉच टीवी, हमारा टेंस कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इंटरोगेटिव है, उसमें आता इज एम आर, तो पता है चले तुम्हारा कौन सा है, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइम पर है तो पहले इज आ रहा है इसको ये आएगा, और ऑब्जेक्ट क्या है टीवी, इसलिए क्या आएगा इज, टीवी आ गया। वर्ब हमारी क्या है वॉच, पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है वॉच का दिया बाय और देखा क्या बन जाएगा है, इधर वर्ब में आ गया राइट। तो नोट कीजिए इतना, ठीक है। अब पता है टाइप सेकंड, तो ये क्या होता है पता है आपको, जब इसका टाइप सेकंड का आपका स्टेटमेंट होगा एक्टिव होगा उसका फंक्शन क्या होगी, तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा आपका तो ये तो सिमिलर रहना है, क्वेश्चन वर्ड जो है ना वी नोट डाउन एज इट, उसको हम ऐसे लिख देना है जो भी क्वेश्चन वर्ड देगा उसको ऐसे ही। देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, देन हमारा क्या आएगा ऑब्जेक्ट, क्या आएगा ऑब्जेक्ट, और वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म आनी यानी पैसिव पता है, किसी भी टेंस का अगर हम एक्टिव से पैसिव को चेंज कर रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती आती है। देन हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले क्या आते हैं हम बाय लगाते हैं ऑफिसर, देन हमारा सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब जैसे बात यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी वो किस हिसाब से थी सब्जेक्ट के हिसाब से, बट यहाँ पे किस हिसाब से आएगी ऑब्जेक्ट के हिसाब से, बस यहाँ पे यही चीज ध्यान रखने की गलती नहीं होती है भाई, सब सिंपल सा वैसा ही है। थर्ड फॉर्म तो सब में लगानी है, हमने एक बार ऐड कर लिया बस, अब पैसे बना रहे हैं थर्ड फॉर्म पहले लगा दो, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है ना। पर वही चीज है टेंस को पहचानना है। अब एग्जांपल लिखता हूं, अगर यहां पर होता डिड ही कॉल यू, डिड ही सॉरी सेंटेंस थोड़ा ये यहां पर कुछ लिख देता हूं आगे, ये है आपका एक्टिव वाई, ठीक है अब हो गया, ठीक है ना व्हाई डिड ही कॉल यू। अब पैसे बनेगा, हमने ऊपर क्या लगा रखा है जो क्वेश्चन वर्ड है वो तो ऐसे जाना है व्हाई का व्हाई आ गया। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो वो टेंस के हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। मैंने कहा व्हाई डिड ही कॉल यू, टेंस कौन सा है ये पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट, कौन सा है पास्ट इंडेफिनिट। पैसे में क्या आता है उसमें इंडेफिनिट में वाज एंड वर, क्या आता है वाज एंड वर, तो यहां पर पक्का है कि सर वाज एंड वर में से कोई एक आ रहा है, पर वो कैसे आ रहा है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो ऑब्जेक्ट तो हमारा क्या है यू है, यस सर है ना, तो क्या आएगा फिर वर आएगा, यू हमारा क्या है प्लूरल है, तेरा ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट कॉल्ड। सिंपल सा है कि जब भी हम क्या बनाएंगे एक्टिव से पैसे थर्ड फॉर्म आती वर्ब की तो क्या होगा हम कॉल की कॉल्ड। अब ये ही हमारा जाएगा, यहाँ पे क्या था ये सब्जेक्ट था, पर यहाँ पे क्या बनेगा ऑब्जेक्ट, ये तो है क्या हो जाएगा ये का वर्ब के ये होता है, ये हमने पहले पढ़ रखा है क्वेश्चन मार्क, इज इट क्लियर यस सर। एक और सेंटेंस देखते हैं, when have we
eaten a mango? They have. When have we eaten a mango? Passive. When ka? When aa gaya. Second verb aayegi. Pehle tense present aayega na. When have we eaten a mango? Tense kaun sa hai? Present perfect. Present perfect. तो क्या उसका पैसे बनता है प्रोडक्ट का? बनता है, अंदर ही बनता है ना। तो अब परफेक्ट में होता है सर पैसे में हैज बीन और हैव बीन। बीन आती है वर्ब से पहले, है ना। तो यहां बताया कि सर हमको कि हैज और हैव को ये आने वाला है, पर ऑब्जेक्ट क्या है? अ मैंगो। तो वो क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब हमारी क्या आएगी? हैज आएगी। तो हैज ऑब्जेक्ट अ मैंगो, बीन आएगा। थर्मोमीटर की ऑलरेडी दे रखी है, कुछ नहीं चलता नाम को, ईटन हो गया बाय। अब ये हमारा वी है, जब पे सब्जेक्टिव केस है वहां क्या बनेगा? ये ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वी का और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगाना। तो जस्ट क्लियर सर? तो बड़ा सिंपल सा है, क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद टेंस पहचानना है, टेंस कौन सा है, उस टेंस पैसिव में क्या आता है वो पहचानना है। तो जैसे हमारा ये वाला था, ये सर वाई का वाई आ गया, टेंस एंड इंडेफिनिट पास्ट का, पैसिव में आता है वाज पर, ऑब्जेक्ट हमारा यू से वर्ड लगा देंगे। ऑब्जेक्ट हमारा यू आ गया, परफॉर्म लगती है कॉल की कॉल्ड, बाई ई का हो गया है, ऐसे इसमें क्वेश्चन वर्ड एजेंट आ गया हैव, थर्ड फॉर्म सर टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट का, पैसिव में आता है हैज बीन और हैव बीन, है ना। तो हमें कुछ एक चूज करना है, तो सर हमारा ऑब्जेक्ट है अ मैंगो, सिंगुलर है, इसलिए लगा देंगे हैज। मैंगो आ गया और बीन थर्ड फॉर्म क्या हो गई? ईट की, ईट नहीं होती है। और बाय यहाँ पर बी था सब्जेक्ट, बन गया ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है? बिकम दैट केस पास होता है। थोड़ा सिंपल सा, या तो कोई डाउट किसी को? नो सर। एनी डाउट? नो सर। तो नोट इट। थोड़ा सा केस का अलग है, है ना, क्योंकि यूएफ में हमारा इंटरवल प्रोनाउन होता है, बाकी सारे वर्ड्स थे आपके, है ना। तो जब भी हम क्या बनाएंगे वो वाला, तो थोड़ा सा इसका थोड़ा सा अलग बनेगा। क्यों बनेगा? इसका बनेंगे क्या करेंगे हम? हुका बाय बाय। अब तक हम क्या कर रहे थे? क्वेश्चन वाला क्वेश्चन बना दो, बट यहाँ पर हुका बाय हुम हो गया। अब टेंस कौन सा है? टीचर। टेंस कौन सा है? ईपीएस। किसमें आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। और पैसिव में क्या आता है? इज आर एम आता है। पैसिव में क्या आता है? इज आर एम, राइट। तो यहाँ पे हमें पता है कि सर इस एम आर से कोई ये कहना है, पर किसके साथ आएगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। देन हमारा क्या है? क्या लगा देंगे? यस सर। क्या हो गया होती है इसकी? समझ आया? यस सर। भाई हम बता रहे हैं क्वेश्चन वर्ड का, क्वेश्चन वर्ड सो द हेल्पिंग वर्ब आती है टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो सर उसमें आता है इज एम आर, तो हमारा ऑब्जेक्ट है आर, तो सॉरी यू, इसके आर यू का यू और चीज का टॉर। एक बार देख लीजिए, हु इज कैसे?
इज फूड बीइंग कुक्ड बाय, ठीक है ना, ये भी ठीक है, बस ध्यान रहे ये वो वाले, बाकी सारे सिंपल सब कैसे बनते हैं, क्वेश्चन वगैरह ऐसे जाएगा, बट वो का हम बाय होम कर देते हैं, क्योंकि ये वो हमारा एक्चुअली में क्या है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्या है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, राइट, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड भी है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट भी है ये, राइट, ये हमारा इंट्रोगेटिव क्या है, प्रोनाउन इंट्रोगेटिव, इसलिए हम इस हु वाले केस में हम करते हैं इसको बाय होम, तो थोड़ा सा जब अलग है, मतलब तुम्हें किसके द्वारा पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है यहाँ पर, वो ये खाना किसके द्वारा पकाया जा रहा है, किसके लिए, तो आई थिंक समझ में आपके आ गया उतना, या तो कोई डाउट तो पूछ सकते हो,